देवपुर गांव में माया और वीना नाम की दो पड़ोसने रहती थी। वीना का परिवार फूला फला था, उसके पति की कमाई भी काफी अच्छी थी। वही माया एक विधवा थी, उसके पति को मरे हुए 4 बरस बीत गए थे और वो गांव में छोटा मोटा काम करके अपने और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। रवि और रोहन एक साथ खेला करते थे। चल रवि, मैं बाजार जा रहा हूँ, आज मेरी मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। सच में? हाँ, अब मैं जाता हूँ वरना मम्मी डांटेगी। रोहन वहाँ से चला गया पर रवि के मन में आइसक्रीम खाने का ख्याल घर कर गया। रवि ने कभी आइसक्रीम खाई नहीं थी, बस दूसरे बच्चों को खाते हुए देखी थी। खैर, रवि मायूस होकर अपने घर लौटा। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, राहुल की मम्मी उसे आइसक्रीम खिलाने बाजार ले गई है। बेटा, तू तो समझदार है ना? हाँ, मैं जानता हूँ माँ कि हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़िए, आज आपने खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंदीदा दाल चावल, तू खा ले, मैं काम पर जाकर आती हूँ। ठीक है माँ। माया का ध्यान रवि के उतरे हुए चेहरे पे था, वो रास्ते भर रवि के बारे में सोचती रही। काश मैं कुछ और पैसे कमा लेती जिससे मैं रवि को आइसक्रीम खिला सकती, उस बेचारे का कितना मन है। हे भगवान, मेरी मदद कर दीजिए। वृक्ष देव ने माया की बात सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। पुत्री, मैं तुम्हारी विपदा समझ सकता हूँ। तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहती हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप सच में मेरी मदद करेंगे? क्या मेरा बेटा सच में आइसक्रीम खाएगा? हाँ, ये लो। वृक्ष देव ने माया को कुछ बीज दे दिए। इन्हें अपने आंगन में बो दो, अगले दिन इसमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम टंगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? हाँ। माया ने वृक्ष देव का आशीर्वाद लिया, वो जादुई बीज लेकर अपने घर लौटी। घर के बाहर आंगन में एक छोटा सा खेत था, माया ने सारे बीज इसी छोटे से खेत में बो दिए। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं आइसक्रीम के पौधों के बीज बो रही हूँ। आइसक्रीम के पौधे? हाँ बेटा, वृक्ष देव ने खुद मुझे ये जादुई बीज दिए हैं। इनमें आइसक्रीम उगेगी सच में? हाँ। वाह, फिर तो हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर हम ढेर सारी आइसक्रीम उगा कर बेचे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझे गांव में काम करने की भी जरूरत नहीं। हाँ माँ, हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। बिल्कुल, अब इन बीजों में पानी डाल दो। जी माँ, आज आप काम पर नहीं जा रही? नहीं बेटा, कल हमारे खुद की आइसक्रीम के खेत होंगे, तो मैं भला दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? वो भी है। माया ने सोच रखा था कि अगले दिन आइसक्रीम उगेगी, वो उन आइसक्रीम्स को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ गया था, रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी थी कि आइसक्रीम बेचकर वो कितने पैसे कमाएगी। मुझे एक आइसक्रीम कितने में बेचनी चाहिए? क्या सारी आइसक्रीम अलग अलग होंगी या एक जैसी? ये सारे ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। खैर, सुबह हुई और माया दौड़ते हुए घर से बाहर आई और उसने अपने खेत देखे तो वहाँ कुछ भी उगा नहीं था। अरे ये क्या, वृक्षदेव ने तो कहा था कि वो जादुई बीज है, उनसे एक दिन में ही आइसक्रीम का पेड़ उग जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माया मायूस हो गई थी। रवि भी घर के बाहर आया और अब उसका भी मुंह लटक गया। माया ने रवि का हाथ थामा और उसे लेकर निकल गई। वो उसी वृक्ष के पास आई। वृक्षदेव, वृक्षदेव! वृक्षदेव प्रकट हुए। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? आपने कल मुझे जादुई आइसक्रीम के बीज दिए थे
और कहा था कि एक ही दिन में वो उग जाएंगे, लेकिन उन बीजों में से तो कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? पुत्री, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने क्या किया? मैंने वो बीज अपने छोटे खेतों में बो दिए और उन्हें पानी भी डाल दिया। फिर भी नहीं उगे? अजीब है। खैर, ये लो नए बीज। इस बार जरूर आइसक्रीम के पौधे उग जाएंगे। माया ने वो नई जादुई बीजें ली और वापस घर की ओर चल पड़ी। एक बार फिर उसने अपने आंगन में वो बीज बो दिए और उन पर पानी डाला और इंतजार करने लगी। अगली सुबह भी वहाँ कोई पौधा नहीं था। ये देखकर माया क्रोधित हो गई और गुस्से में वृक्ष देवता के पेड़ की ओर चली गई और पहुंचते ही रोने और चिल्लाने लगी। वृक्षदेव, आप मेरी गरीबी का ऐसा मजाक उड़ाएंगे ऐसा सोचा नहीं था। पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपकी दी हुई बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर आइसक्रीम के पौधे उगेंगे, आइसक्रीम बेचकर मैं पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी, मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तुमसे गलती हुई है पुत्री। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें वो बीज तुम्हारी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, पर तुम्हारे मन में लालच पनप गया। तुम आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने के लिए सोचने लगी। वो जादुई बीज इसीलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। अगर तुम उसे अपने बेटे की इच्छा के लिए उगाती तो आज उनमें आइसक्रीम जरूर होती। माया को अपनी गलती समझ आ गई। देव ने एक बार फिर उसे जादुई बीज दिए। इस बार बस अपने बेटे की इच्छा पूरी करने का संकल्प लेना, लालच से दूर रहना पुत्री। माया वो बीज लेकर घर लौटी। उसने बीज बो दिए पर आज उसके दिमाग में कोई भी लालच नहीं था। वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगली सुबह रवि घर के बाहर गया तो वो नजारा देखकर हैरान हो गया। माँ, माँ, आइसक्रीम उग गई। माया भी उत्सुक होकर घर से बाहर आई और उसने देखा कि एक नहीं कई सारे पौधों पर आइसक्रीम थी और कई गरीब बच्चे उन पौधों को देखकर लाल टपका रहे थे। अरे बच्चों, तुम लोग आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और रवि ने आइसक्रीम तोड़ ली और खाने लगे। सभी के चेहरे पर संतुष्टि देखकर माया को अपनी गलती समझ आ गई। आइसक्रीम बेचकर तो बस पैसे मिलते पर ऐसी संतुष्टि नहीं मिलती। धन्यवाद वृक्षदेव इन आइसक्रीम के पौधों के लिए और मुझे ये सब समझाने के लिए कि पैसे ही सब कुछ नहीं है। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। माया ने भी एक आइसक्रीम तोड़ ली और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे और वो लोग मुफ्त में सबको आइसक्रीम बांटने लगे। कड़ी गर्मी के मौसम में ठंडी आइसक्रीम लोगों को अलग ही संतुष्टि दे रही थी। माया वापस अपने काम पर लौट गई। आज वो भले ही गरीब रह गई पर मन से वो बहुत अमीर हो गई। वो खुशियाँ बांटना सीख गई।